नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। यूपी के एटा में जहरीली शराब से मरने वालों की संख्या 19 पहुंच गई है। घटना से नाराज लोगों ने जमकर हंगामा किया और इस मामले में एसडीएम और जिला आबकारी अधिकारी सहित 5 लोगों को सस्पेंड कर दिया गया है। मौके पर पहुंचे जिला प्रशासन के अधिकारियों ने बताया कि सभी मौतें जहरीली शराब पीने से हुई है, लेकिन मौत की सही वजह पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ही सामने आएगी। ग्रामीणों ने बताया कि शुक्रवार शाम को इन सभी लोगों ने गांव में बिकने वाली कच्ची शराब पी थी, जिसके बाद उन्हें उल्टी दस्त की शिकायत होने लगी। हालत बिगड़ती गई और उसके बाद सभी को अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां इलाज के दौरान 19 लोगों ने दम तोड़ दिया। इस मामले के मुख्य आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जी मीडिया संवाददाता विवेक पाठक एटा से हमारे साथ जुड़ गए हैं। विवेक, ये जो शराब, कच्ची शराब जिसकी बात की जा रही है, जिससे मौत हुई है, वो शराब परोसने वाला कौन था? एक को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, किस तरह से शराब का धंधा चल रहा था? देखिए, मैं आपको बता दूं कि ये जो एटा में है, 3 से 4 ऐसे लोग हैं जो पूरा एक शराब माफिया बनके यहाँ पर काम कर रहे हैं, कच्ची शराब जो है बेचते थे। और जो उसमें मुख्य जो आरोपी है, जो उसमें जो है वर्मा का नाम जो लिया जा रहा है, सबसे महत्वपूर्ण बात ये जिसके ऊपर जिस तरह से दबाव था, उसको कल रात को देर रात को गिरफ्तार कर लिया गया है। और जो पूरे मामले में सबसे बड़ी जो भूमिका जो निकल के आई है, उसमें आबकारी विभाग की निकल के आई है, सबसे बड़ी लापरवाही है। और पुलिस के संरक्षण के चलते पूरे एटा के अलग अलग इलाकों में जो कस्बे इलाके हैं, वहां पर इस तरह का जो पूरा अवैध व्यापार चलाया जा रहा था। जो मुख्य आरोपी शिवपाल जो वर्मा है, उसको शिवपाल वर्मा है, उसको कल से ही टॉर्चर किया जा रहा है, उससे जानकारी निकाली जा रही है आखिरकार कौन कौन सिस्टम से इसमें जुड़े हुए थे पूरे मामले में और क्या क्या स्थितियां हैं वाकई में। जी, मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से जो जब ये मामला संज्ञान में आया, तभी से उन्होंने एक मुख्य सचिव के द्वारा एक जांच कमेटी गठित कर दी गई और पूरी रिपोर्ट वहां तक भी दी जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए आपका। रीता बघुना जोशी हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस के नेता। रीता जी, इस तरह की घटना हो जाती है, उसके बाद एक्शन में सरकार, प्रशासन, सभी लोग आते हैं, लेकिन इस घटना से पहले इस पर किस तरह से सख्ती बरती जाए, किस तरह से काबू किया जाए, वो काम नहीं दिखाई देता कहीं? देखिए, वो ट्रेजेडी बहुत बड़ी समस्या है उत्तर प्रदेश की और अन्य प्रदेशों की भी, लेकिन यहाँ पर जिस रफ्तार से एक्साइज के चक्कर में जो है वो शराब के बढ़ाए जाते हैं दुकानें, और उसके बाद नाजायज शराब बनने का काम भी लगातार चलता है, और हम लोग जानते हैं कि सब थाने मिले होते हैं, उन लोगों को इसका पूरा महीने का उन लोगों को कमीशन जाता है, अगर पुलिस चाह ले तो ये हमेशा बंद हो सकता है। डीएम है, एसएसपी है, थाना अध्यक्ष है, कोई इस पे कार्रवाई नहीं करता। जब कोई ट्रेजेडी होती है तब एक्शन में आते हैं और फिर भूल जाते हैं, तो ये तो जिंदगी के साथ खेल रहे हैं। प्रशासनिक कमजोरी है ये, इसकी पूरी जिम्मेदारी प्रशासन पर और भ्रष्ट व्यवस्था पर है। रीता जी, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। लक्ष्मीकांत वाजपेयी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी के नेता। लक्ष्मीकांत वाजपेयी, इस घटना पर आपकी प्रतिक्रिया? जिले के आबकारी विभाग के अधिकारी, क्षेत्रीय थाना अध्यक्ष और सीओ, ये 4 को तो बर्खास्त करके इनके विरुद्ध हत्या का मुकदमा चलना चाहिए, और प्रदेश के आबकारी आयुक्त को तत्काल हटाकर उसके बाद इस जॉइंट कमिश्नर आबकारी और उनके सबके विरुद्ध जांच होनी चाहिए। ये तो एक क्रम हो गया है, जब कोई घटना हो जाती है तब हम लोग भी बोलते हैं, मीडिया भी बोलता है, सरकार भी कहती कार्रवाई करेंगे, बाद में पता नहीं लगता कार्रवाई होती है या उसको दबा दिया जाता है। लेकिन आखिर ये सब कब तक रुकेगा? बिना क्षेत्र की पुलिस और बिना आबकारी अधिकारी के सांठगांठ के नकली शराब का धंधा चल नहीं सकता, इसलिए उन सबको तो बर्खास्त करना चाहिए, नजीर बननी चाहिए, प्रचार करना चाहिए विज्ञापन के माध्यम से कि सरकार इतनी सख्त हुई है। लेकिन अफसोस ये है कि सरकार की हनक धमक इकबाल नहीं है। रीता बघुना जोशी तो आप कार्य में दिखेगी। जी सर, रीता बघुना जोशी भी हमारे साथ हैं। रीता जी, आपको लगता है कि अगर सरकार सख्त हो जाए, प्रशासन सख्त हो जाए, तो इस तरह की घटना ना हो और इतनी मौतें ना हो? निश्चित रूप से मैं तो सीधे कहना चाहती हूँ कि ये भ्रष्टाचार के वजह से ये होता है, खुलेआम नाजायज शराब बनती है उस क्षेत्र में, उसमें प्रशासन कुछ नहीं करता, आराम से बैठा रहता है, और जब कोई ट्रेजेडी होती है तब एक्शन में आते हैं। हम सोचते हैं कि हम जनप्रतिनिधियों की भी जिम्मेदारी बनती है कि जहां भी हमको ऐसी चीज नजर आए, गतिविधि, हम प्रशासन को बताएं और उनको दबाव, बल्कि उन पर दबाव बनाए, जानकारी तो उनको होती है
देखिए ट्रेजेडी बड़ी दुखद होती है, न जाने कितने परिवार उजड़ जाते हैं, लोग बर्बाद हो जाते हैं। अब क्या कहा जाए, यही बस है कि आदमी की जान बहुत सस्ती हो गई है। लक्ष्मीकांत वाजपेयी, आदमी की जान सस्ती हो गई है, लेकिन इस तरह के कारनामों को, इस तरह के धंधे को रोकने की जिम्मेदारी प्रशासन की बनती है, लेकिन जो लीडर्स हैं, जो नेता हैं, जिनको लोग चुनकर लाते हैं, जिनको लोग अपना बेशकीमती वोट देते हैं, उनकी भी जिम्मेदारी बनती है, उनकी नजर नहीं होती क्या इस तरह के धंधे पर? इस जिम्मेदारी से नकार नहीं सकता। बहन रीता बगुणा जोशी द्वारा कही गई बात से मैं सहमत हूँ, लेकिन जो लोग इस विभाग के अधिकारी और कर्मचारियां जो इस बात की तनख्वाह पाते हैं जी, यदि उनके क्षेत्र में घटना हो रही तो सीधे सीधे जिम्मेदारी किसकी है? ठीक है सर। और उनके विरुद्ध यदि कार्रवाई सरकार नहीं करती और ऐसी कार्रवाई नहीं करती कि नजीर बन जाए, तब तो इसका मतलब कहीं ना कहीं नीचे से ऊपर तक आवक खराब है और सरकार की मंशा भी सख्त होने की नहीं है।